हम करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न काव्यांश देखिए। यूँ तो इसमें सबकी उन्नति अपनी ही जैसी चाही है, सबके संग सच्चाई और सुंदरता की नीति निभाही है, पर कभी किसी से झुका नहीं इसका इतिहास गवाही है। ऐसे गर्व उन्नत प्रहरी पर निछावर मेरा तन मन धन, भारत के शीश हिमालय को है मेरा बारंबार नमन। क्या कहना चाह रहे हैं प्रश्न जो लिखे हुए, हिमालय ने क्या चाहा है, हिमालय ने क्या नीति निभाही है, इतिहास किस बात का गवाह है, इतिहास हिमालय कैसा प्रहरी है, कवि हिमालय के प्रति किस प्रकार श्रद्धा प्रकट करता है। तो ये जो काव्यांश है, इस काव्यांश के आधार पर उत्तर देने आपको इन प्रश्नों के, इस काव्यांश को अच्छे से पढ़ना है, उसके उत्तर देने। तो सबसे पहले मैं इसके उत्तर परिखवा देती हूँ, वैसे तो ये आपके लिए है पर मैं इसे प्रश्न तो लिख पा रही हूँ कि अगर इस तरीके से एग्जाम में आ जाता है तो आपको किस तरीके से करना है। क्या चाहा है तरीके से, प्रश्न है हिमालय ने क्या चाहा है, हिमालय ने अपने जैसी या स्वयं के जैसी अन्य सभी की उन्नति चाहिए है, हिमालय ने स्वयं के जैसे अन्य सभी की उन्नति चाहिए है, हिमालय ने क्या नीति निभाई है, सुंदरता की नीति, सबके संग सच्चाई और सुंदरता की नीति निभाई है, हिमालय ने माले ने सबके संग सच्चाई सबके संग सच्चाई और सुंदरता की नीति निभाई है, हिमालय ने सबके संग सच्चाई और सुंदरता की नीति निभाई है, हिमालय ने सबके संग सच्चाई और सुंदरता की नीति निभाई है, सबके संग सच्चाई और सुंदरता की नीति निभाई है, इतिहास किस बात का गवाह है, इतिहास इस बात का गवाह है इतिहास इस बात का गवाह है कि हिमालय कभी भी कहीं नहीं झुका है, हिमालय इस बात का गवाह है कि हिमालय कभी भी कहीं नहीं झुका है, हिमालय कैसा प्रहरी है हिमालय
हिमालय, एक गर्व से उन्नत प्रहरी है। कवि हिमालय के प्रति किस प्रकार श्रद्धा प्रकट करता है? कवि हिमालय के प्रति अपना बारंबार अपना बारंबार नमन करता है। सलाम करेंगे हम इसका। सबसे पहले जिसके माथे पर सूरज तिलक लगाते हैं उसे पूर्ण चारा लिखिए। इसका सरल अर्थ क्या होगा? सरल अर्थ है इसका, सूरज कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहता है कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहता है कि सूरज सबसे पहले कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहता है कि सूरज सबसे पहले हिमालय के माथे पर तिलक लगाता है जिसके यश को सागर अपनी अनगिनत लहरों के द्वारा गाता है। इसकी ऊंचाई पर मैं ही क्या संपूर्ण भारत गर्व करता इसकी ऊंचाई पर मैं ही क्या संपूर्ण भारत को गर्व है संपूर्ण भारत इसकी ऊंचाई पर गर्व करता है। तो इस पंक्ति में क्या कहा है? कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहता है कि सूरज सबसे पहले हिमालय के माथे पर तिलक लगाता है जिसके यश को सागर अपनी अनगिनत लहरों के द्वारा गाता है। इसकी ऊंचाई पर मैं ही क्या संपूर्ण भारत गर्व करता है। तो यानी कि जितना भी ये है कि किस प्रकार से हिमालय की गौरव का बखान सूरज सागर और अन्य सभी करते हैं उस पर कवि को गर्व है।